हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं जूही। आज जो एक ऑफिशियल ट्रेलर हम लोग देखने वाले हैं वो है बाला, जिसमें है आयुष्मान खुराना, भूमि पंडेकर और यमी गौतम। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है, इस ट्रेलर में क्या है, इस फिल्म में थोड़ा बहुत तो ट्रेलर से पता ही चल जाएगा। हम लोग देखे हैं आयुष्मान खुराना भूमि के साथ, आयुष्मान खुराना यमी के साथ। तो इकट्ठा तीनों एक साथ कभी भी हम लोग नहीं देखे हैं, ये फर्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे इकट्ठा तीनों को एक साथ एक ही मूवी में। और तीनों ही बहुत अच्छे अदाकारा है। तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे प्रमुख अखबारों के मैट्रिमोनियल एड्स। पढ़ाई लिखाई, जाति प्रजाति सब बाद में, सिर्फ गोरी लड़की चाहिए। इन शॉर्ट, जो गोरा है वो सुंदर है। आप ये टोपी पहन के काहे बात कर रहे हैं? हमारी टोपी हमारी मर्जी। धूप लग रही है क्या? हटाओ टोपी। किसी और को दिक्कत नहीं, आपको काहे हो रही है? नहीं हटाएंगे हम। शर्मा काहे रहे हो, हटाओ। माना बाला लहराते बालों की वजह से रखा था। बच्चन भैया, हम स्कूल में हीरो थे, हीरो। अमिताभ बच्चन अवतार गिल के रोल में कैसे जी सकता है? जॉब में डिमोट हो जाते हैं, मिमिक्री में फ्लॉप हो जाते हैं, बचपन की गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाती है, सुंदर लड़की से बात करते फटती है हमारी, लगता है धसेगी हम पे देख के। यार हेयर लॉस नहीं, आइडेंटिटी लॉस हो रहा हमारा। इसको कहते हैं थेगला। नहीं चाहिए हमें थेगला। का है? हस्त मैथुन और सेक्स में फर्क होता है बे। ये हस्त मैथुन है, हमें बाल उगाने अपने असली के। उगा देंगे। लगे रहो। भैंस का गोबर और सांड का वीर्य मिला के अपने सर पर लगा लेना। बाला, तुझे हूर जैसी परी मिलेगी। हमने नहीं करनी शादी वादी। जितने विकेट विकेट बचे हैं ना, इनके रहते अपनी इनिंग बचा लो। आज तुम्हारे पापा तुम्हें बाल गिफ्ट कर रहे हैं बेटा। बाला, नाम तो सुना होगा। नहीं सुना। तुम्हें आज एक जिंदगी और जी लो, एक नाम और जान लो, क्या पता कल हो ना हो। मैं लगता है तुम एक फिल्म हो, तो मैं डर लगता है कि एक दिन अचानक इस फिल्म का दी एंड हो जाएगा। हम कोई फिल्म नहीं है बेबी, हम तो एकता कपूर का सीरियल है। आज खुशी का दिन है, आया बिल्कुल लल्लंटा। इमोशन इमोशन। सोडा पानी नींबू के साथ क्या पियेंगे? इतने बड़े चूतिया को इतनी सुंदर लड़की दिल दे दी। बताए तो दिए हो ना उसको। हमने फैसला कर लिया, प्रतिरोपण करवाएंगे। अरे उससे अच्छा तो तुम्हारा यही टापू है भैया, जो सर में लगा घूमते हो पूरा दिन। टाइम जाएगा। अरे क्या हो गया? फालतू इंसान। तेरी शादी हिट या फ्लॉप? एयर ट्रांसप्लांट के लिए तुम्हारे छाती, हाथ और दाढ़ी के बाल बहुत कम है। बस एक ही जगह है। तो चल आजकल भैया, छांट के बाल सर पे लगाने को बोल रहा है आदमी, हम नहीं करवाएंगे। जस्ट वाओ। ये पूरा जो ट्रेलर देखे तो ये देख के ये पता चल रहा है, जिसका सर में बाल नहीं है सही में उसको बहुत प्रॉब्लम होते हैं कि कोई भी लुक, कोई भी तुम स्टाइल नहीं कर सकते हो, कुछ कुछ भी नहीं। फ्रेंड्स, आप लोग जैसे देखे हो कि सर में बाल नहीं रहने से उसका पूरा गेटअप, उसका पूरा पर्सनालिटी, उसका थोड़ा थोड़ा बहुत खराब लगता है, सही में ख़राब लगता है। ऐसा नहीं है जिसका बाल नहीं है उसको मतलब कुछ गंदा या कुछ बहुत ही ख़राब लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, उसका कॉन्फिडेंट लेवल, जिसका हो ऑलरेडी बाल हो, उसका अगर नहीं रहे या झड़ जाए, वो सही में बहुत दिल में और दिमाग में और बहुत ही मतलब दिल बहुत ही ख़राब हो जाता है। ऐसा ऐसा फील होता है कि कुछ नहीं है, कोई कॉन्फिडेंट मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट जो है वो लैक होते रहते हैं। तो यही सब लेके शायद ये फिल्म होने वाले है।
जो भूमि का जो कैरेक्टर है इसमें दिखाया है बहुत ही सांवला हुआ है, वो रंग थोड़ा काला है, यमी थोड़ा यमी है, यमी टाइप बहुत ही सुंदर जैसी वो है वैसे ही दिखाए है मूवी में। और तीनों का ही कैरेक्टर मतलब, और उसका जो पापा है बने हैं, उसका जो फ्रेंड बने हैं जावेद जफरी, बहुत दिन बाद हम लोग देखेंगे जावेद जफरी को मूवी में। और सभी मतलब जो जो कैरेक्टर ट्रेलर देख के लग रहा है बहुत ही मूवी अच्छा होने वाले है। उसको जितना हेल्प कर रहे, उसका पापा उसको वीक गिफ्ट कर रहे, उसका जो फ्रेंड है जावेद जफरी बने हैं वो जो प्ले कर रहे वो उसको डॉक्टर के पास ले गए हैं वो हेयर के लिए। और जो भी जैसे भी दिखाए हैं पूरा मूवी में एक इस मतलब जो आयुष्मान का जो कैरेक्टर है उसको सभी हेल्प कर रहे। और दिखाया है कि यमी के साथ उसका बहुत ही अच्छा रिलेशन होने वाले है, लव वगैरह, जो वीक पहनने के बाद उसको लड़की बहुत ही पसंद कर रहे, या खुद का जो कॉन्फिडेंट लेवल है वीक पहनने के बाद उसका कॉन्फिडेंट लेवल भी बहुत ही बढ़ गया है कि कोई लड़की के साथ वो घूमे फिरे या शादी के लिए वो आगे बढ़े ऐसा कुछ। और भूमि तो साइड बाय साइड बहुत ही फनी टाइप, उसका जो डायलॉग वगैरह लगा बहुत ही लगा। और तीनों का ही जो डायलॉग है कैरेक्टर मेन कैरेक्टर जो तीनों है उसका भी पूरा बहुत ही फनी है। हाँ, और सफ़र तो कर रहे वो आपका बाल खुद के बालों के लेके आयुष्मान, उसका तो डायलॉग जो है बहुत ही मतलब वो नहा रहे उसका बाल ऐसे जा रहे हैं। हाँ, और कोई भी बात करे या कोई रोमांटिक कोई सीन चल रहा है खुद को बस मतलब वो बचा रहा है आपको अपना मतलब वीक खुल ना जाए। और भूमि का जो डायलॉग हमने सुने कि वो पहन के वो वीक पहन के तुम घूम रहे हो ये सब, वो सब मुझे मतलब जो मूवी में मतलब अभी ट्रेलर देख के जो लग रहा है बहुत ही अच्छा मूवी होने वाला है। जो होता है सही में ये प्रॉब्लम जिसका बाल है कोई ना कोई वजह के कारण वो चले जा रहे हैं वही जानते हैं उसका क्या हो रहा है। तो सभी फ्रेंड्स आप लोगों को भी शायद आप लोगों को भी मतलब ये सुने होंगे कि ये लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ऐसा कुछ चिड़चिड़े हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, ये सब दिखाए हैं फिल्म में है। तो ये देखना ही है कि आखिर में क्या होता है, कैसे उसका बाल फिर से आता है नहीं आता है, क्या करते हैं। हाँ, मुझे ये देखना है फिल्म, तो मैं तो वेट कर रही हूँ कब वो निकले और मैं दिखाऊँगी, और आप लोग भी शायद वेट ही कर रहे हो कि ये फिल्म कब देखोगे। तो आयुष्मान खुराना के अभी जो रिसेंट में मूवी निकल रहे हैं हर कैरेक्टर जो वो प्ले कर रहे हैं उसमें मतलब वो ऐसे नहीं लग रहे है कि वो खाली मूवी के मतलब उसका एक्टिंग लेवल इतना मुझे अच्छा लगता है, शायद आप लोगों को भी फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं। उसका जो कैरेक्टर होता है वो जैसे एक्टिंग करते हैं बस इतना सॉफ्टली, जैसे वो मतलब एकदम कैरेक्टर के अंदर घुस के वो जो उसका जो एक्टिंग है मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आते हैं बहुत ही, क्योंकि वो उसका जैसे वो स्किन में हर एक कैरेक्टर जो भी फ्रेंड्स अभी तक वो उसका जितना भी फिल्म निकले है एक फिल्म जैसे दूसरा फिल्म के साथ एकदम ही हटके है, पूरा ही हटके है, एक टाइप का फिल्म वो नहीं करते हैं। जैसे एक्शन फिल्म हो, रोमांटिक फिल्म हो या कॉमेडी फिल्म हो, मतलब हर फिल्म एक जैसा ऐसे नहीं होता है, अलग अलग कैरेक्टर, अगर वो कॉमेडी भी होता है, अगर वो इमोशनल भी होता है तो भी मतलब बहुत ही उसका जो वो जो चूज़ करते हैं हर एक स्क्रिप्ट, वो जो मूवी चूज़ करते हैं, मुझे तो पर्सनली उसका वो चॉइस मुझे बहुत ही अच्छा लगते हैं। तो ठीक है,
और फ्रेंड्स, ये चैनल कैसे लग रहे हैं ये आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई भी आप लोगों को रिएक्शन देखना है वीडियो के ऊपर, सॉन्ग के ऊपर, तो आप प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो। कमेंट जो सेक्शन है वहाँ पर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। और मैं तो चाहती हूँ हर फ्रेंड का ही रिक्वेस्टेड वीडियो यहाँ पर प्ले करने के लिए, पर क्या है ना, सभी फ्रेंड का ही रिक्वेस्ट आते हैं, तो जितना मैं हो पाती हूँ मैं करती हूँ, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं कर पा रही हूँ तो नेक्स्ट कभी ना कभी मैं इस बीच में कर ही दूँगी, ये पक्का। तो अगर आप लोग अभी तक मेरा और जितना भी वीडियो है नहीं देखे हो, आप प्लीज़ देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और जूही को ढेर सारा प्यार दीजिए। और अब तक अगर नहीं आप लोग सब्सक्राइब किए हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आप सोशल मीडिया में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं ऐसे ही कुछ एक्साइटिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।